हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह की इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह की एडिटिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद टूल्स पर जाके क्रॉप पे जाना है और यहाँ से इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज सेलेक्ट करनी है और नीचे की तरफ रखते हुए कुछ इतना क्रॉप कर लेना है जितना मैंने किया है। इस तरह से क्रॉप होने के बाद अब चलना है ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे आने के बाद यहाँ से लेयर पे चलना है और अपनी फोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और अब इरेज पे चलना है और अब शेप वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से स्क्वायर शेप सेलेक्ट करनी है और इसको फिल कर देना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऊपर की तरफ जो हमारी फ़ोटो है उस पर कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है ताकि फ़ोटो वाला पार्ट ड्रॉ हो, इरेज हो जाए और नीचे वाला पार्ट रह जाए। इसके बाद अब एम्प्टी लेयर को नीचे की तरफ ले आना है। नीचे की तरफ लाने के बाद एम्प्टी लेयर पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड होने के बाद यहाँ पर साइड में क्लिक करना है और फिर से लेयर पे जाना है और इसके थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसे कुछ इस तरह से जूम करके एडजस्ट कर लेना है। जो नीचे की पोस्ट वाला एरिया है उस पर कुछ इस तरह से बैठे हुए इतना पार्ट रखते हुए अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है, इसे डन कर देना है। डन करने के बाद एक और एम्प्टी लेयर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाना है और अपने फ़ोटो के कटआउट को ऐड करना है। अगर आपको फ़ोटो कटआउट नहीं करनी आती है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके भी थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसे पहले वाली फ़ोटो के ऊपर परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। इसे बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब फिर से एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी है और इसे अपनी कटआउट वाली फ़ोटो के नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद ब्रश पे चलना है और इसके एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ाना है, ओपेसिटी को कम करना है और हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो करना है, जूमेबिलिटी को ऑन करना है और कुछ इस तरह से अब शेडो क्रिएट कर लेनी है। इस तरह से जहाँ पर भी शेडो क्रिएट करनी है उस पार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब आना है ऐड फोटो पे और फिर से अपने पोस्ट के स्क्रीन शॉट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर से क्रॉप पे चलना है। क्रॉप पे आने के बाद अपने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट का नेम है उसे क्रॉप कर लेना है। अपने नेम वाले पार्ट को कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे जूम करना है और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है। इसे परफेक्टली एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ। एडजस्ट करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।